तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी फिर भी गलत बता रहे हो। प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? कितना फेराडे? फाइव फेराडे। चलो कल कराएंगे, ठीक है बच्चों आप लोग स्कूल निकल जाओ। चलिए इसको लिख लो अच्छे से, 96,500 का मल्टीप्लाई बताओ कितना आया? 0 0 15 1 18 1 19 1 27 28। चलो बिजली का दोनों लॉ सुनाओ फिर आटे थी। अब आप लोगों से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती नहीं आती तो हमें अभी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपन। जे आती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना? आती है ऑक्सीजन स्टेट निकालना? 11th में नहीं पढ़ी, अर्थ आती है तुम्हें तो आनी चाहिए, नहीं आती? नहीं आती। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल फॉर्मूला लिख नहीं पाया और ऑक्सीजन स्टेट निकल जानी चाहिए, ऐसे चुटकियों में लगाई है, चुटकियों में प्लस फाइव। हाँ बहुत बढ़िया, चुटकियों में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुटकियों में प्लस सेवन। चुटकियां अभी तक चल रही हैं। कैसे निकाल रहे हैं मान्या पता है? अभी सिखा दें तो यार। इनकी कॉपियां भर डाली हैं लास्ट ईयर, यही करा करा के तो भरी है। हाँ इनकी 6 भरी, इनकी 4 भरी, लेकिन आज कछु नहीं है। अभी रुक जा, पूछ रहे ना क्वेश्चन, कौन सा कार्बाइड एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है? विच कार्बाइड प्रोड्यूज एसिटाइलिन गैस, इसका नाम क्या है? कौन सा कार्बाइड मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है? आगे पढ़ चलो, पीछे को भूल जाओ, फिर जब पढ़ पेपर आए कॉम्पिटेटिव के तो फिर शुरू से पढ़ियो सब। चलो स्वामी आयाद, नेहा आयाद सुनाओ फिर, दोनों लो अच्छे से। निगार याद, अरे है बहुत, वो थी ए बी सी डी, यहाँ पर ऐसे लिखना है, वहाँ कुछ नहीं, रिएक्शन ही रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कन्वर्जन, रिएक्शन ही रिएक्शन। अब हाँ वो तो सेम ही रहते हैं, अब ए चाहे कहीं भी पढ़ो वो तो ए ही रहेगा ना। अनुष्का रटियो समझ के ना याद करियो, समझ के याद तो नहीं कर रहे कहीं। चलो मनु सुनाओ,
इतना टाइम क्यों बच्चों? समझा तो दिया, अपनी बात सामने सुना दूँ। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, कहाँ पास कर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल्यूशन ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर याद होगा, भूल जाओ फिर पूछेंगे। एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ, एक ही करवाएंगे क्योंकि बच्चे चले गए हैं, उनको फिर हमें करवाना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज is required for following reduction. पहला है वन मोल Al प्लस थ्री, कोई बताया नहीं, टू Al। दूसरा है वन मोल और Cu प्लस टू Cu। वैसे जो वालों बहुत ही कठिन है, चार साल से लगा रहे पर नहीं रहा हमसे। वन मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, अब जिससे ऑक्सीजन नहीं बनती निकालते उसको आ जानी है समस्या लास्ट वाले में। इसीलिए तो हम मानते हैं कि ट्वेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है लगभग उतनी ही इम्पोर्टेंट है इलेवन, क्योंकि इलेवन बेस होता है बच्चों, है ना। तुम्हें ए नहीं आता और एप्पल लिखने को कह दे, कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, लेकिन आप पूछ रहे हैं यहां ऑक्सीडेशन नहीं बताई, पूरे MnO4 की बताई है, तो Mn की नहीं। रिडक्शन हो रहा ना, कर लो और फूल ले साथ अच्छा सा। जितनी आपको ऑक्सीजन स्टेट की ज़रूरत है उतनी हम अभी सिखाते रहें, और बहुत डिटेल में सीखना है तो एक बढ़िया सा वीडियो हमने बना रखा है 3 घंटे का,
ना, उसको सभी वीडियोस में जोड़ दी थी, वो आप देख लेना, आपको पूरी ऑक्सीजन स्टेट एक्सेप्शन वाली तक, बहुत एक्सेप्शन होते हैं ऑक्सीजन, CaCl2 हो गया आपका, Fe3O4, इनकी एक्सेप्शन बहुत, CrO5 हो गया, बटरफ्लाई स्टेट, पूरी आपको कॉम्पिटिटिव की सभी ऑक्सीजन स्टेट कवर कर रखी है हमने, और आपको डिटेल में ट्वेल्थ की केमिस्ट्री रटा दें, फिजिक्स हिंदी इंग्लिश रटा दें, फिर एलेवेंथ थोड़ा सप्ताह हो गया तो पढ़ा देंगे तुम लोग को। देखो बच्चों, आपको किसी की भी ऑक्सीजन स्टेट, इनकी ऑक्सीजन स्टेट याद होनी चाहिए, ऑक्सीजन नंबर थोड़ा, आपको हमेशा ये इस साल बता रहे हैं बच्चों, आपको इस साल कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत डिटेल में सीखना है तो फिर एक्सेप्शन आते हैं तो फिर तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, या फिर हम जब पढ़ाएंगे इस साल अभी पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे, आके बैठ जाना 2-3 दिन सीख लेना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना, ये सब आने चाहिए आपको। तो अभी इस साल के लिए बता रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की हमेशा माननी है -2, हाइड्रोजन की हमेशा माननी है +1, ठीक है। इसके अलावा एल्केली मेटल मिल जाए, उनकी माननी हमेशा +1। अब एल्केली मेटल आप जानते ही हो, है नहीं है एल्केली मेटल, लेकिन ट्रिक वाइट हेलिना की रब से फरियाद, इनकी हमेशा, और जो एल इस साल विस्की साल लिखने से आपको इस साल की पूरी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएंगी, लिख लो, जिस ऑक्सीजन की हमेशा -2 माननी है, हाइड्रोजन की +1, यहाँ भी लिख दिया, एल्केली मेटल की +1, अगर आपको एल्केली मेटल याद है तो बस लिख लो +1, ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, और एल्केलाइन अर्थ मेटल की निकालना आ गई सबकी, हमने कह दिया आ गई मतलब आ गई सब। आ गई मतलब अब आ गई, अब लास्ट चीज सीख लो, लिखा है कि ऐसा लिखा है, कैसे नहीं बनती, बनती बताओ इसकी, इसमें कार्बन की कितनी है, जल्दी इसमें कार्बन सिंपल सा इतना कठिन नहीं, इसमें बताओ कार्बन की कितनी है, बताओ मनु, पता है नहीं पता वो नहीं पता। देखो जब भी आप इसकी जिस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन स्टेट निकालो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के साइड रखना है 0, उस पर कोई चार्ज है तो उतना ही चार्ज उस साइड लिख देना है, नेगेटिव की निकाल रहे हो तो फटाफट निकलती आएंगी। चलो तो आंसर सॉल्व करते हैं, तो आंसर में पहला क्या था, एल्यूमिनियम +3 का रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम में, हमने कहा था ना हम चीज़ों में स्टार्टिंग में जब पढ़ने लगे ना
थ्री से एल्यूमिनियम में जा रहा है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? थ्री। और हमने पहले बता दिया हर चीज़ को मोल में कंसीडर करना है। थ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन थ्री मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन थ्री मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल का होता है एक, तो तीन मोल का कितना हो जाएगा? तीन फराडे। और हम में पूछ ले तो लिख देना 3 2 9 6 5 हो गया बच्चों। ये अभी हमने रैंडमली भी कराया था आपको। दूसरे का कितना आया मनु? 2 फराडे। और कोलाम में अगला रिडक्शन देखो बच्चों, Cu प्लस 2 किसमें जा रहा है? देखो कितना डिपॉजिट हो रहा है एक कॉप। देखो अलग अलग एलिमेंट को डिपॉजिट करने के लिए अलग अलग चार्ज लगता है। अगर एक एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कर रहे थे तो 3 फराडे लग रहा था, लेकिन एक कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हो तो कितना फराडे लगने वाला है? इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, तो चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, आंसर आ जाएगा 2 फराडे। एम एन ओ 4 1 नेगेटिव जा रहा है, नया आया क्या इसका आंसर? अब हमें यही नहीं पता, देखो ये पूरा थोड़ी डिपॉजिट हो रहा है, इसमें से सिर्फ एम एन डिपॉजिट हो रहा है, तो एम एन यहां से यहां जा रहा है, तो पहले हम पता तो करें कि एम एन ने यहाँ से यहाँ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो हमें एम एन का चार्ज पता होना चाहिए, तो एम एन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी, यही तरीका जो हमने आपको सिखाया है। ठीक है चलो निकाल लेते हैं साइड में एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एम एन ओ 4 1 निगेटिव है, ठीक है, तो सबसे पहले पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज देखना है, तो पूरे मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज है, इसकी निकाल ली है, इसको साइड में रख दो, ठीक है हटा दो, इसे कोई मतलब नहीं हटा दो। अब देखो O4, एक O की कितनी होती है? तो 4 की हो जाएगी -8, -8 उस साइड जाएगा तो +8 और -1 +7, तो Mn की कितनी आ गई? +7। ऐसे आपको निकाल लेना है। +7 से किस में जा रहा है? Mn +2 है, तो यहाँ 7 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव है, बताओ कितने नेगेटिव आए होंगे? 5 नेगेटिव, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब आंसर क्लियर हो गया होगा, कितना फिर आ गया समझ में? तो एक करके दिखाओ, फोर्थ नंबर का हम दे दो, कि आपकी इसमें भी पड़ा हुआ है ना? लेकिन थोड़ा संभल के है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव जा रहा है, समझना है इसमें, नहीं बैलेंस वैलेंस तो सब है, हाँ बैलेंस कर लो, कोई कर लो बैलेंस, बच्चों
बच्चों तो हमें ये देखना है, कर लो बैलेंस, टू सी आर प्लस टू माइनस टू पे चार माइनस टू सी आर टू को अलग रख लो, प्लस की तो प्लस की 12, लेकिन बच्चों देखना पड़ेगा प्लस 12 ये कितने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन क्रोमियम क्रोमियम आ रही है, तो एक क्रोमियम कितनी आ जाएगी प्लस 6। तो यहाँ से अगर हम क्या हो रहा है, एक सी आर प्लस से जा रहा है, तो एक का निकाल लोगे उतना ही दो का आएगा, वो तो आपको चार निकालना है, तो इसमें सी आर है प्लस सिक्स में, सिक्स में प्लस टू में अच्छा बोला सर, ऐसे ना लिखें जैसे इसमें लिखा है, टू सी आर प्लस सिक्स में जा रहा है, टू सी आर प्लस टू, तो दो दो क्रोमियम कितना ले रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो बात मतलब एक लेगा 4 फेराडे तो दो लेगा 8 फेराडे, तीन लेंगे 12 फेराडे, चल जैसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से करना है तो दो के बेस पे तो 8 इलेक्ट्रॉन, एक करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर कितना हो गया हमारा 4। प्लस 6 टू प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 फेराडे या फिर 4 इंटू 9 6 5 0 2 9 कितना भी आ रहा, और अगर आपको 2 क्रोमियम के लिए लिखना है तो 8 फ्राइडे, और 2 सी आर प्लस 6 टू 2 सी आर प्लस 2 8 फेराडे, 8 इंटू 9 6 5 0 वही 1 आपने 2 फेराडे की निकाल दी तो 8 की डबल हो जाएगी 12 याद कर लो दोनों, आप लोगों की छुट्टी होगी सबकी, मतलब जिनकी होती है जो जो लॉस नाता जाएगा तो वो जाता जाएगा।